तो मेरे साथ स्टूडेंट है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शेख शहजाद है। ओके। मैं गुजरात से आया हूँ। ओके। एस आर टेलकॉम में इंस्टीट्यूट में मेरा आज दूसरा दिन है। ओके। पहला और दूसरे दिन हमारा कंपोनेंट का सब्जेक्ट था, तो कंपोनेंट का आज लास्ट दिन था, आज फिनिश हुआ है। उसके बाद हमने आईसी पे ऑन बोर्ड आईसी पे हमने काम किया, तो ऑन बोर्ड से हमने आईसी निकाला और आईसी बोर्ड के ऊपर प्रिंट जो है उसको क्लीन किया। उसके बाद आईसी को रिबॉलिंग किया और उसके बाद फिर उसको आईसी को लगाया और उसका रीडिंग चेक किया। तो फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने मेरी लाइफ में मैंने कभी एसएमडी नहीं पकड़ा था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसे आईसी रिबॉलिंग करके मैं फिर बोर्ड पे लगा के बोर्ड ऑन कर सकता हूँ, कोई नहीं था। मुझे इस तरीके से यहाँ पे जो टेक्निक दिया, जो मेरे सर जो है एमडी सर, उन्होंने जो तरीका बताया, उन्होंने डीप तरीका बताया और शॉर्ट टाइम में बताया, और इतना इजी तरीका था कि मुझे वो फर्स्ट टाइम था, यकीन करो कि मुझे आधे घंटे में हर चीज़ मैंने करके रेडी कर दिया, मेरा और बोर्ड भी ऑन हो गया था। तो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होता है और क्लोजिंग का कोई टाइम नहीं है, कोई क्लोजिंग का ना कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 9 बजे क्लास ख़त्म होगा या 10 बजे या 11 बजे। सुबह 7:30 बजे मैं आज बैठा हूँ क्लास में, तो कब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम कब हो जाती है और शाम से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक के बाद एक सब्जेक्ट आता है तो हमको और इंटरेस्ट और एक जुनून और एक एनर्जी आ जाता है कि नहीं, ये जो हम लेक्चर देव सर का जो लेक्चर होता है वो उनका समझाना, उनका डीप लेवल तक हर चीज़ को, हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को, हर एक जो लाइन है सीपीयू से बोर्ड को या जो भी है, हर एक चीज़ को डीप लेवल पे जाके समझाते हैं और एकदम इजी तरीके से समझ में आ भी जाता है। तो यहाँ पे कोई जात का टाइम वेस्ट नहीं होता है, लॉन्ग टाइम का रिसेस भी नहीं होता है, शॉर्ट टाइम में आपको 15 मिनट का खाने का वक्त मिलता है, उसके बाद फिर से क्लासेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि हमको बताया गया था स्टार्टिंग में कि आप जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपका डे का क्लासेस 14 घंटा चलेगा, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 15 से अप हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आप जाए, आपको जो करना है वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आपको हार्डवेयर में प्रैक्टिकल जो आपको बताया जाता है उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप सर के पास आके पूछते हो कि सर इस तरीके से मैं कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो सर अपनी कुर्सी पे उठ के हमको खुद को बिठाते हैं और उसके बाद हमको उनकी जगह पे हर प्रोसेस हमारे पास खड़े रह के करवाते हैं कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके आपकी गलती इधर हो रही है, ये है जो भी है, लेकिन सर ऐसा नहीं कहते कि मैंने आपको थियोरी जो भी है समझा दिया है, आप एक काम करो। आप कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये सही है तो इसके पास जाके आप बैठ जाओ, वो जो इसे कर रहा है उस तरीके से करो या उसको पूछ के करो कहीं और जगह पे, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सर खुद हमारे पास खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे बिठा के और खुद करवाते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और इनके पास जब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ इस तरीके से करना है और उसको समझ में नहीं आता है, तो इनके पास 10 से 15 अलग 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 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यानी आपको तरीके बताते हैं कि बेटा इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से आ जाएगा आपके माइंड में। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि पूरे एशिया में इससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूट होगा। और थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू एशिया टेलकॉम, थैंक यू। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा,
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीको निकलना हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? वाई वन है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत।